गुड मॉर्निंग टू ऑल दोस्तों, इस वक्त सुबह के 9:30 बजे हैं और मैं अपने रूम से बाहर निकला हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। और ब्रेकफास्ट करने के लिए सबसे मेरी जो फेवरेट जगह है, फेवरेट रेस्टोरेंट जो यहीं पे है, ओम गणेश, मैं आपको वहाँ पे लेके चलूँगा। और सबसे ज़्यादा फेवरेट जो है मेरा वहाँ पे ऑरेंज जूस, क्योंकि इतना मीठा होता है कि मैं क्या बताऊँ। आप जब भी कभी यहाँ पे आए तो बिना शुगर का ऑरेंज जूस लीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। और यहाँ के दूसरी भी काफ़ी सारी जो साउथ इंडियन डिशेज है वो भी बहुत ही बेहतरीन है स्वाद में। आप जब भी चाहे जो भी चाहे यहाँ पे नाश्ता कर सकते हैं मॉर्निंग के लिए। और मैं यहाँ पे इस वक्त इसके सामने, ठीक सामने ओम गणेश के जो व्यू है वो मैं व्यू आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो व्यू है सीधा ओम गणेश के सामने है, जहाँ से बैठ के आप इतना खूबसूरत नज़ारा देख सकते हो ब्रेकफास्ट करते हुए। और अभी मैं ये पूरा कैमरा रोटेट करते हुए टूवर्ड्स राइट में आपको ले चलता हूँ, जहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ, जिस रेस्टोरेंट में मैं रुका हूँ, जिस होटल में मैं रुका हूँ, उसका बाहरी हिस्सा मैं आपको, और उसके ठीक बाजू में ही ये ओम गणेश रेस्टोरेंट है। ये देखिए फर्स्ट फ्लोर जहाँ पे मैं रुका हूँ। हम सीधे चलते हुए ओम गणेश की ओर जा रहे हैं, जहाँ से मैं आपको पूरी ओम गणेश रेस्टोरेंट भी दिखाऊँगा। सिर्फ उसका व्यू देखिए, लोकेशन देखिए। दोस्तों, इस बार मैं आपको लेके आया आरंबोल बीच के दूसरी तरफ। दिन का पूरा दिन तो हमने, पूरा दिन और पूरी शाम कल हमने स्वीट लेक की तरफ बिताया था, लेकिन आज मैं आपको ले आ रहा हूँ आरंबोल बीच की दूसरी तरफ, जहाँ पर भी काफ़ी सारे हट्स हैं, जहाँ पे आप स्टे कर सकते हो। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको हट्स वगैरह पसंद नहीं आती है, तो उनके लिए यहाँ पे दूसरे भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। जैसे कि एक यहाँ पे प्रॉपर्टी है लोटस सूत्र करके, लोटस सूत्र 3 स्टार 4 स्टार कैटेगरी की होटल है, जहाँ पर मैंने स्टे की, रिसोर्ट है एक टाइप का, जहाँ मैंने पिछले साल अपनी वाइफ के साथ जब आया था तो मैंने स्टे किया था। वो प्रॉपर्टी शायद आपको बहुत अच्छी लगेगी। उधर भी गोल्डन कॉटेजेस है, बट इंटीरियर और उसका जो व्यू है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, आप वहाँ पे स्टे कर सकते हो। मैं आपको लोटस सूत्र के बारे में ले जाता हूँ, और थोड़ा सा एक उसका भी मैं वीडियो लेके आप सबको दिखाता हूँ कि लोटस सूत्र कैसी दिखती है। चलिए, इस जगह पे रात को पार्टीज़ वगैरह चलती है, कई बार लाइव सिंगिंग भी चलती है। जब पिछली बार मैं यहाँ पे आया था, यहाँ पे लाइव करियोके म्यूज़िक थी, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आके खुद गाने भी गा सकते हैं जिनको गाने का शौक़ हो। बहुत ही अच्छी पार्टी थी यहाँ पे। और ये सामने मेरे देखिए जो है ये रेस्टोरेंट है, जहाँ ऊपर बैठ के आप पूरे बीच को देख सकते हो। यहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ऊपर से। मेरे राइट साइड में जो हट्स है, कॉटेजेस है, वुडन कॉटेजेस है, वो यहाँ की लग्जरी कॉटेजेस है। बहुत ही खूबसूरत कॉटेज है ये भी सारे। चलिए अब यहाँ से बाहर चलते हैं, फिर से बीच की तरफ। देखिए बीच यहाँ से कितना, चंद कदमों पर ही है, कम से कम 2 मिनट का रास्ता, सिर्फ 1 ही मिनट का रास्ता है यहाँ से बीच पे जाने के लिए। ये भी प्रॉपर्टी अगर आपको स्टे करना है तो बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी है। यहाँ के रेट करीबन पर डे के 4000 से 4500 रुपीज़ है, जिसमें आई थिंक ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड नहीं है, पर अच्छी प्रॉपर्टी, आप यहाँ इंजॉय करेंगे। अब सीधे हम बीच की तरफ चल रहे हैं, और मैं यहाँ से और आपको आगे ले चलूँगा, जहाँ पर और भी खूबसूरत प्रॉपर्टीज़ है, मैं आपको उनको भी दिखाऊँगा अगर आपको स्टे करना हो तो यहाँ पर।
इस वक्त मैं एक जगह पे आया हूँ जिसका नाम है लव टेम्पल। यहाँ पर भी काफ़ी सारी हट्स है जो मिलती है यहाँ पर, और इसके अलावा भी यहाँ पे काफ़ी सारे दूसरे इवेंट्स भी होते रहते हैं। जैसे कि इस बार यहाँ पे योगा का कोई योगा फेस्टिवल चल रहा है, तो मॉर्निंग को यहाँ पे 2 घंटा योगा सिखाते हैं। अगर आप योगा के शौकीन हैं तो सुबह यहाँ पे आके सिर्फ कुछ नॉमिनल फीस है, फीस भर के आप एवरी डे मॉर्निंग को 2 घंटा योगा कर सकते हैं। मैं आपको चलिए जगह पर दिखा दूँ। फेस्टिवल सब कुछ यहाँ पे होता है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। पंजरा फेस्टिवल भी है, 6 से 10 जनवरी को ये था, ख़त्म हो चुका है। अभी 27 से लेकर 31 जनवरी तक यहाँ पे योगा फेस्टिवल है। ये देखिए मेरे लेफ्ट साइड में सारी हट्स है। ये यहाँ का योगा रूम है, यहाँ पे योगा सिखाते हैं। बहुत बड़ा सा हॉल है ये। मेरे ख्याल से ये मेडिटेशन सेंटर है। बहुत ही खूबसूरत सी, बहुत ही अलग हटके ये जगह है। यहाँ पे आके स्टे करने का मज़ा ही कुछ और है। लेकिन इतना बता दूँ कि यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम है, ये हट्स मुझे है वो सेफ़ नहीं लग रही है। सामान चोरी होने का डर रहता है। अक्सर हट्स में यही होता है कि लैपटॉप, कैमराज और दूसरी जो आपके कैश है, चोरी होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि इनमें दीवारें नहीं होती। दीवारें जो बनी होती है वो बहुत ही कच्ची होती है और कहीं कहीं पर होल भी होते हैं, तो सामान को चोरी करना इसमें से बहुत ही आसान होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको रिस्क लेनी है और एक्सप्लोर करना है तो आप कर सकते हैं यहाँ पे। ये बाहर एक छोटी सी रेस्टोरेंट है। चलिए अब फिर यहाँ से बाहर निकल के आपको बीच की तरफ ले जाता हूँ। आज का पूरा दिन मैंने कैफे फूड प्लैनेट नाम के एक शख्स को स्पेंड किया है पूरे दिन मैंने आज कुछ और काम नहीं किया, बल्कि फ्रेशो की एक किताब शुरू की है पढ़ने में, जिसका नाम है बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त किताब है। जब आप अकेले सोलो ट्रैवलिंग करते हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट कंपनी आपकी किताब होती है, जो कि आपको हर पल आपके साथ में रखिए, आपको बहुत अच्छी कंपनी होती है, तो काफ़ी कुछ सीखने मिलता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको इतना समय नहीं मिलता कि आप कहीं बैठ के कंटिन्यूसली 7-8 घंटे 9 घंटे की बात करें। इस दरमियान काफ़ी फ्रेंड्स आ जाते हैं, काफ़ी लोग मिलने आ जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जब अकेले ट्रैवलिंग करते हैं तो किताब आपकी बहुत ही बेस्ट साथी है, आपकी बहुत ही दोस्त है, आपको पढ़ना चाहिए। और इस किताब के बारे में ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप ज़िंदगी में मैं मृत्यु सिखाता हूँ कि इसका हिंदी वर्जन है, इंग्लिश वर्जन क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन आप ज़रूर पढ़ें। इससे पहले कि ओशो की मैंने काफ़ी किताबें पढ़ी और ओशो का बहुत आर्ट है, कुछ पसंदीदा किताब ओशो की जो है मेरी वो ये है कि एक जिसका नाम है सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस, और एक किताब तो उन्होंने लिखी थी जिसमें रहीम कबीर ने जो दोहे कहे हैं, कबीर के दोहे को उन्होंने बहुत इलैबोरेट किया है, उसके बारे में उन्होंने बताई है उस किताब में। और दूसरी एक किताब मैंने पढ़ी है जो लॉर्ड महावीर के बारे में, भगवान महावीर के बारे में, महावीर भगवान ने एक्चुअली क्या कहा है और हम लोग क्या फॉलो कर रहे हैं, बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। मैं तमाम लोगों से यही कहूँगा कि आप इस बुक को ज़रूर एक बार पढ़ें। मैं ज़्यादा कुछ डिटेल भी नहीं कहूँगा कि कौन क्या कर रहा है, सही कर रहा है, गलत कर रहा है, लेकिन जो भी कर रहा है करने से पहले एक बार भगवान महावीर की एक किताब ओशो की ज़रूर पढ़े, सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस जरूर पढ़े, और मैं मृत्यु सिखाता हूँ इस किताब को जरूर पढ़े। पहले इस वक्त जहाँ बैठा हूँ कैफे फूड प्लैनेट में, मैं इसका आसपास का नज़ारा जो है मैं आपको दिखाता हूँ, आपको बहुत ही ये जगह पसंद आएगी। समुद्र के ठीक सामने है
और बाहर जहाँ मैं बैठा हूँ उसके बाहर काफ़ी सारे सनबाग के लिए बेड लगे हुए हैं, काफ़ी लोग बाहर भी बैठे हैं लेकिन धूप बहुत ज़्यादा थी, मैं अंदर बैठा हूँ। चलिए मैं आपके साथ नज़ारा सुन रहा हूँ। आपसे कहा था कि अरंबोल बीच में आपको कुछ ऐसी सीक्रेट प्लेसेस में लेके जाऊंगा जो कि इससे पहले आपने कभी देखा नहीं, बीच सुना होगा। एक तो मैं आपको लेके गया स्वीट लेक में, दूसरा आपको मैं लेके गया ट्वाइस इन नेचर में, तीसरी जो खास जगह है यहाँ पर उसका नाम है स्वीट लेक से थोड़ा सा उसके साइड से होता है, बैक साइड में है लेकिन वहाँ जाने का रास्ता है। माउंटेन ट्रैकिंग का अगर आपको शौक है या फिर ट्रैकिंग का अगर आपको शौक है रास्ते पे चलने के वहाँ पहुँचने का मजा है दोस्तों। चलो मैं आपको लेके चलता हूँ बनियान ट्री की ओर, आप वीडियो तक देखे रहिए ताकि आपको सब सारी जानकारी एक साथ में आपको मेरे इस वीडियो के द्वारा मिले। चलिए स्वीट लेक से होता हुआ रास्ता सीधा बनियान ट्री की तरफ जाएगा, मैं आपको रास्ते पर ले चलता हूँ। मेरे सामने एक छोटा सा रास्ता देख रहा हूँ जहाँ से हमें करीब करीब 10-20 मिनट चलना है और हम कि काफ़ी सारे लोग वहाँ फिरते हैं। ऊपर एंट्री पे जाने से पहले एक छोटा सा एक लेक के साइड में जो मिट्टी होती है मुल्तानी मिट्टी, काफ़ी लोग उसे अपने बॉडी पे लगा के बाद में फिर इस लेक में जाके रुक के लगाते हैं ताकि कॉम्प्लेक्शन उनका और अच्छा हो, कॉम्प्लेक्शन के लिए स्किन कॉम्प्लेक्शन के लिए काफ़ी अच्छी होती है मुल्तानी मिट्टी। अब मैं जो आपको ले चल रहा हूँ ये रास्ता आप देखिए, यहाँ से हमें करीब करीब 15-20 मिनट चल के ऊपर जाना है। और आपका एक भी सवाल होगा कि बनियान ट्री पे आखिर होता क्या है, काफ़ी सारे फॉरेनर्स और कुछ इंडियन साधु टाइप के व्यक्ति जो होते हैं यहाँ पर बैठे होते हैं और ऊपर बैठ के उनका चरस गांजे का एक प्रोग्राम चलते रहता है, कोई भी इंसान एक दूसरे से वो शेयर करता है।
कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ म्यूजिक वगैरह बजती रहती है। ये देखिए कैसा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, बहुत ही डेंजरस भी है। थोड़ा भी अगर आपका ध्यान चुका तो आप नीचे गिर सकते हो। बहुत ही संभल के आपको एक एक कदम आगे बढ़ना है यहाँ पे। देखिए यहाँ से ठीक मेरे जो आपको दिखा रहा हूँ वहाँ पे बहुत सारे मुल्तानी मिट्टी होती है। इसे मुल्तानी मिट्टी को लगा के अपने पूरे बॉडी पे लगा सकते हो। फिर बाद में लगाने से आपकी स्किन का कॉम्प्लेक्शन बहुत ही अच्छा हो जाता है। काफ़ी लोग यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी लगाने के लिए आते हैं। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हम लोग इस वक्त यहाँ पहुँचने में काफ़ी लेट हो गए हैं। सारे लोग यहाँ से निकल चुके हैं। आने का रास्ता बहुत ही कठिन था, दो बार तो मैं खुद फिसल के गिर गया हूँ, पर ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप जब आएंगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मिलेंगे। ये जो बनियन ट्री जो आपको मैंने दिखाया है फिर से एक बार दिखाता हूँ। यहाँ बैठ के आप चिल आउट कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे गिटार और म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट लेके आते हैं और घंटा डेढ़ घंटा यहाँ बैठते हैं, चरस लेते हैं, ड्रिंक करते हैं। इस प्लेस के एक सिस्टम है कि यहाँ पे आपको चप्पल अलाउड नहीं है, चप्पल तो आपको यहीं पे नीचे उतारने होंगे और फिर इस प्लेस पे जाके बैठना होगा। दूसरी एक और सलाह मेरी आपको कि आप जब भी कभी इस जगह पे आए तो शूज़ पहन के आए। स्लीपर में यहाँ पे चढ़ के आना बहुत ही नामुमकिन, बहुत ही डिफ़िकल्ट था। मैं खुद दो बार गिर गया हूँ। तो अगली बार जब भी आप यहाँ पर आए तो शूज़ पहन के जरूर आइएगा। थैंक यू। इस बार का बनियन ट्री का एक्सपीरियंस बहुत ही ख़तरनाक था। रास्ता पूरा चेंज हो गया है। पिछली बार जब मैं आया तो रास्ता बहुत सारा काफ़ी कुछ चेंज था। एक कोई पेड़ यहाँ पे गिर गया जिसकी वजह से रास्ता पूरा चेंज करके मुझे ऊपर की ओर पहुँचना पड़ा है। लेकिन मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप अगली बार जब भी इस जगह पे आए तो एक तो स्लीपर्स पहन के ना आए, जूते पहन के आए, ताकि आप चलते हुए गिरे नहीं। कम से कम दो तीन बार मैं गिर चुका हूँ यहाँ पर। और दूसरी मेरी सलाह आपको ये है कि आप जब भी आए यहाँ पर तो थोड़ा जल्दी आए, करीब करीब 4 बजे के आसपास, 4, 4:30, 5 बजे के आसपास आप यहाँ पहुँच जाए। बिकॉज़ जितना जल्दी आएंगे आपको यहाँ से निकलने के लिए थोड़ी आसानी होगी। पूरा जंगल का एरिया अंधेरा होने के बाद यहाँ से रास्ते में आप कंफ्यूज हो सकते हो, बाहर जाने में थोड़ी सी आपको घबराहट हो जाएगी। लेकिन एक और बात मैं गोवा के बारे में आपको बता दूँ कि यहाँ के लोग काफ़ी कोऑपरेटिव है। आज तक मैंने कभी यहाँ पे नहीं सुना कि किसी ने किसी लड़की को छेड़ा या किसी के साथ कोई बदतमीज़ी की है। अब जब कभी भी अकेले भी आते हो या अपने वाइफ के साथ में आते हो या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में आते हो तो ये जगह बहुत बहुत सेफ़ है, कभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इतना है कि समय पर आके समय पर निकलना थोड़ी समझदारी होती है। अभी रिटर्न आते हुए काफ़ी सारे लोग मुझे इंडियन भी मिले और फॉरेनर भी मिले हैं जो इस वक्त यहाँ पे बनियन ट्री की ओर जा रहे हैं। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, वहाँ पे रुकना मुझे मुनासिब नहीं लगा, तो मैं वहाँ से रिटर्न हो रहा हूँ।